What's up guys and welcome back everyone to another, बिल्कुल another, और क्या क्या और कुछ वीडियो लाते ही नहीं है भाई, PUBG मोबाइल ही लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, और भाई बचा के लेकिन हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्लोज कॉम्बैट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जो आप हेडशॉट्स वगैरह जो होते हैं कैसे मार सकते हो। सामने वाला बंदा बोलेगा लेवल 5 हेलमेट ला के दे दो, भाई बंदा बहुत सेक्सी मार रहा है। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, भाई क्या बोल रहा है भाई, वीडियो देखने से पहले कैसे पसंद आएगी, ठीक है मेरे को पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट फिर भी भाई की कमेंट्री थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना भाई, कर दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं, और बस चलो लेट्स स्टार्ट। देखो बातचीत कुछ ऐसी है कि ये है एक टट्टी डेथ मैच, जिसको हम बोलते हैं TDM, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको हेडशॉट, स्प्रे ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, या एम ट्रांसफ़र, ठीक है, स्प्रे ट्रांसफ़र बोलो एम ट्रांसफ़र बोलो जो भी बोलो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ये बोलते हैं, ठीक है। मैंने जितने भी शॉट्स मारे आपने देखा, ठीक है, मोस्टली हेड शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। देखो रेड साइन आ ही रहा है, इस पर भी रेड साइन आएगा, तो क्या सीन है इसका वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई लोग, इसमें क्या है कि इसमें हमको एम जो होना चाहिए ना वो हेड पे खुलना चाहिए, ठीक है। एक गोली अगर आपकी हेड पे खुलती है, बॉडी पे खुलती है, तो एम चिपक जाता है, एम असिस्ट की बात है। यहाँ पे आपको एम बॉट पकड़ा दिया पबजी वालों ने, खोल दो भाई, रख के मारो उसको। तो अगर बंदे पे आपने एम खोल दिया ना एक बार, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रोजा का भी स्प्रे दे रहा हूँ, तो मैंने उस पर खोल दिया तो वही चिपक जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बाकी सब आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो वो करा, वो सब हुआ, मैं शाहरुख भाई को मार दिया, सॉरी शाहरुख भाई। तो ये सब करना है, लेकिन आपको पहली गोली लगनी चाहिए। अगर आप बंदों के ऊपर दूसरी साइड गोली मार दोगे और स्प्रे दे रहे हो 6x3x का, तो बहुत मुश्किल चांस होता है कि आप फिर वापस उसको ट्रैक पे ला सकते हैं, आपको बंद करके वापस स्प्रे देना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फिर आपको हेड शॉट्स के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, क्या ड्रिल्स है क्या नहीं है, सब बताता हूँ, चेक करो। करना क्या है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना, उसके ऊपर अपना जो रेड डॉट है, ठीक है, ये मेन चीज़ होती है ना, आपका क्रॉस हेयर होता है जो बीच का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो रेड डॉट है, रेड पोर्शन पे आपको फोकस करना है, कहीं फोकस मत करो, इस रेड डॉट पे जो रेड चीज़ होता है फोकस करो, ठीक है, उसे फोकस करो। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पे करना है, यहाँ पे रखा, ठीक है, मारा, यहाँ पे रखा, फोकस करो कि आप जहाँ चाहो ये वहाँ खुले ऐसा, ठीक है। फिर ट्राई करो कि इसको ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, सिर्फ शूट मत करो, जैसे कि यहाँ पे खोला, इधर खोला, फिर इधर खोला, खोल के बंद किया, खोल के बंद किया, ऐसे ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेडशॉट्स के लिए। फिर एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर आके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आए स्कोप खोला, इस पर खुलना चाहिए, ठीक है, इस पर ही खुलना चाहिए। अब बात आती है कि ये आपकी बहुत हेल्प करता है। अब आगे मैं बताता हूँ, जो हिप फायर होता है के साथ जिगल मूवमेंट देते हैं, आपको पता होगा बहुत लोग जिगल मूवमेंट देते हैं, बहुत क्या मोस्टली पीपल जिगल मूवमेंट देते हैं, जिगल मूवमेंट बहुत जरूरी है आपके क्लोज कॉम्बैट में, ठीक है। ट्राई करो कि आपका एम जो अपना फ़ोन है ना बिल्कुल स्टिल पकड़ो, और वो एम हिलना नहीं चाहिए, आपको लेफ्ट राइट जो थंब है वो हिलना चाहिए, लेकिन आपका फ़ोन नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी स्टेबल रहता है एम आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम अपना बिल्कुल स्टेबल रखना है जब आप शूट कर रहे हो, तो जब भी TDM खेलो तो एम से डिसेबल करके खेलो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने करी, वो मैंने क्या करी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये स्कोप खोल के बंद किया, इससे मुझे क्या होगा, मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरा एम कहाँ पर है। मैंने स्कोप खोला, मुझे पता चला है मेरा एम कहाँ पर है, ठीक है, और मेरे को काफ़ी इजी हुई उसके बाद। मार को पता होगा कि जो आपने, मैंने आपको बताया था एम की चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो है कि एम खोलना है आपको हेड पे, काफ़ी सिंपल है, आपको बस एम खोलना, जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी। मैं एक दो चीज़ें और बताऊँगा आपको, कि ड्रिल्स बताऊँगा, वो प्रैक्टिस करोगे तो आपका एम खोलेगा। देखो ये ट्रिक है, ये आपको स्कोप खोलना है तो हेड पे खोलना है, उसके बाद आप स्कोप बंद कर दो, उसके बाद आप आराम से हेडशॉट्स मार सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया आपका क्रॉस हेयर वहाँ पर अटैच हो चुका है, आपका एम असिस्ट वर्क कर रहा है, तो उसी के ऊपर गोलियाँ लगेंगी, ठीक है। तो इस पर फोकस करो। अब ड्रिल्स मैं बता देता हूँ, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपकी ये डॉट सेंटर जो क्रॉस हेयर का है वो कहाँ है, ये कहाँ पर है, यही सब डिसाइड करता है कि आपको कहाँ गोलियाँ जा रही है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रेड डॉट पे भी जो रेड सर्कल होता है वो डिसाइड करता है, तो इस पे फोकस करो कि ये कहाँ जा रहा है। और इसकी भी एक चीज़ बताता हूँ जिससे ये स्टिल रहेगा और आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी मैं आपको ड्रिल बताता हूँ, उसको प्रैक्टिस करो। दो ड्रिल्स बता रहा हूँ, ये दोनों ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, स्कोप खोलो बंदे के हेड पे और फिर बंद कर दो, और फिर क्रॉस हेयर से आपका वो वर्क हो जाएगा, क्लोज कॉम्बैट बहुत तगड़ा हो जाएगा, हेडशॉट ही हेडशॉट काउंट हो गया, स्कोप खोल के उसके हेड पे बंद कर दो। ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है, मैं इसकी दो ड्रिल्स बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों को ट्रेनिंग मैंने, ठीक है, ट्रेनिंग मैंने के बाद जो आपकी गन ऑटो पे रहती है उसको आपको सिंगल पे कर देना है, आपकी जो भी आप सेलेक्ट करते हैं मैं सिंगल पे करके इसको मार रहा है, ठीक है, ये गिराना है आपको एक शॉट के अंदर,
मारा गिराया। तो ये ड्रिल प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका एम वो होता है कि आपका क्रॉस हेयर जो है वो कहाँ पे जा रहा है। देखो क्रॉस हेयर बिल्कुल सही जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रॉस हेयर कहाँ सेट करना है, बंदा कहाँ पर है, उस हिसाब से आप क्रॉस हेयर सेट करके मारोगे। देखो ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ड्रिल है आपकी क्रॉस हेयर के लिए एंड इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक, स्कोप खोलो हेड पे और उसके बाद अपना स्कोप बंद करके मार सकते हो, तो ये बहुत अच्छी ड्रिल है, फायदेमंद ड्रिल है काफ़ी। इस पे जाके आप एक और टारगेट से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एक सिंगल शॉट मार रहा है आपको, इससे एम प्रैक्टिस होती है। ये दूर के टारगेट पर आपको सिर्फ सिंगल शॉट मार के गिराना है, सिंगल पे मेरी गन, सिंगल शॉट मारो। नेक्स्ट ड्रिल के बारे में बताता हूँ, इस ड्रिल में क्या करना है आपको, जो क्रॉसर का जो मैंने सेंटर पॉइंट बताया था जो डॉट है उसको आपको हेड पे रखना है। यहाँ पे ट्राई करो कि हेड पर, यहाँ पे हेड पे लाए, यहाँ पे हेड पे लाए, शूट करना बाद में, पहले आप हेड पे लाने का ट्राई करो ठीक है। यहाँ पे रहा है, इससे आपका क्या होता है, इसके आपको बिल्कुल सही होता है कि जो एम ट्रांसफर होता है ना, एम ट्रांसफर बोलते हैं इसको, यहाँ पे एम ट्रांसफर किया, यहाँ पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया। ये हेडशॉट की ट्रिक्स बहुत तगड़ी है, इसको आप फॉलो कर लो, आपका हेडशॉट लगना ही लगना है ब्रो। आपको पता चल जाएगा कि आपके वो डॉट है जो क्रॉसर का वो कहाँ पर है और आपको बहुत ईजी रहने वाली है ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि हेड पे स्कोप खोल दो और फिर बंद करके क्लोज कॉम्बैट में मारो, सामने वाला बंदा बोलेगा लेवल 5 हेलमेट ला कर दे दो भाई, हेड ही हेड लग रही है, कि भाई आप लोग हैकर बन चुके हो यार, भगवान हो गए तुम लोग तो भाई, ऐसा सीन हो जाएगा। उसके बाद तो करते रहो बस प्रैक्टिस यार, इतना ही मैं बोलूँगा, स्कोप खोलो हेड पे खोलो, उसके बाद बंद कर दो क्लोज कॉम्बैट में, उसके बाद आप लोग जेगल मूवमेंट दे सकते हो, जेगल मूवमेंट के ऊपर वीडियो बनी हुई है भाई की, जाके चेक कर लो। एंड ये सब होने के बाद कुछ पचा नहीं है यार, सिर्फ करते रहो प्रैक्टिस। मैंने आपको बता दिया ड्रेस, बता दिए जो करना है वो सब कुछ बता दिया है, यही मैं भी करता हूँ, इसी से मेरा क्लोज कॉम्बैट ठीक होता है। और करते रहो बस प्रैक्टिस करते रहो, इसी से आपको क्लोज कॉम्बैट ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना एम असिस्ट डिसेबल करके खेलो, टीडीएम वगैरह काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्कोप खोलो हेड पे, उसके बाद बंद कर दो, वो अच्छी ट्रिक है। उसके बाद मैंने ड्रिल्स बताइए वो प्रैक्टिस कर लो बस ब्रो, और ज़िंदगी में चाहिए क्या, सब तो सामने ला के रख दिया, सब प्रैक्टिस करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए, ज़रा से भी पसंद आए, कुछ भी हो तो लाइक ठोको यार, लाइक ठोक दो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो अगर वीडियो पसंद आए तो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ, स्क्वाड मेंबर्स को शेयर करो वीडियो, एंड भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहो वी प्लेस, बाय बाय एंड पीस। Cause I'm done cleaning up your mess.